बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन गार्डन में तो व्यूवर्स, मैं हूँ इकरा खान और आज आपके लिए लेकर आई हूँ इतनी ज़्यादा मज़े की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बादामी मटन कोरमा। व्यूवर्स, इस कदर ये डिलीशियस बन के रेडी हुआ था तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है, ठीक है? तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मटन है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब जो है इसके अंदर हम जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, ये देखिए नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा है, लौंग है और थोड़े से जो है वो काली मिर्च है और एक इलायची है सबस, ठीक है? ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे और इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो भरकर आपने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है? अब इसमें जो है वो टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। 3 मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटोज़ थे और 3 से 4 ही जो है मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड किए हैं। अब जो है इसमें हम इतना पानी ऐड करेंगे कि ये अच्छे से गल जाए। चलें इसको पकाने के लिए रख देते हैं। तब तक ये देखिए, यहाँ पर जो है अनियन है, 2 अनियन है मीडियम साइज़ के, उनको हमने इतना ब्राउन करना है कि उनका कलर डार्क हो जाए, ठीक है? चलें जब तक कलर डार्क होता है, ये बादाम है थोड़े से, इनको भिगो देंगे ताकि इनका छिलका अच्छे से रिमूव हो जाए, ठीक है? तो ये देखिए, यहाँ पर जो है अनियंस भी डार्क हो गए हैं, ये देखिए। तो इनको जो है हमने अब ऑयल के अंदर से निकाल लेना है, ठीक है? तो ये देखिए, यहाँ पर 1 कप के करीब ये दही है। अब जो अनियन हमने फ्राई करके रखे थे ना, अब वो हम अनियन इसमें ऐड कर देंगे, ये देखिए। तो अब जो है वो जो हमने बादाम थे उनका छिलका रिमूव कर दिया था और उनको अच्छे से पीस लिया था, अब वो इसमें ऐड कर देंगे और इनको जो है हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इन सब चीज़ों को। तो ये देखिए, यहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, दही को, अनियन को और इसमें जो हमने बादाम ऐड किए थे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा मटन जो है वो भी अच्छे से गल चुका है। तो अब हमने क्या करना है, जिस ऑयल में हमने अनियन फ्राई किए थे ना, अब ये वाला मटन जो है वो हमने उसी ऑयल में ऐड कर। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने मटन को ऑयल में ऐड कर दिया है। अब जो है हमने इसको अच्छे से जो है वो इसकी भुनाई कर लेनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ठीक है? तो ये देखिए, यहाँ पर इसकी जो है अच्छे से भुनाई कर ली है 3 से 4 मिनट के लिए। अब क्या करेंगे, अब हमने वो जो अपना दही वाला मटेरियल रेडी करके रखा था ना, अब हम इसमें वो मटेरियल ऐड कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मटेरियल को ऐड कर दिया है, हल्का सा जो था मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इसको डिश आउट करेंगे। तो चलिए अब इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो है बहुत ही मज़ेदार बादामी मटन कोरमा बनकर रेडी हो गया था। व्यूअर्स, काश मैं आपको इसको टेस्ट करवा सकती, इतना ज़्यादा मज़ेदार था ये। तो आप भी लास्ट में इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, फिर आपको आइडिया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।